स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सभी कार्यकर्ता ध्यान दें, कहीं गड़बड़ी ना हो। अब जी राहुल गांधी के बारे में हम क्या करें, लोकतंत्र में और इतना जगह जांच हो चुका है, लोग बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, ये इतनी बड़ी संस्था पर वो उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस संवैधानिक व्यवस्था पर उनको विश्वास नहीं है और वो डर है उनको कि हमारी ज़मीन से सक चुकी है, 40-42 सीट लाए तो उससे भी नीचे जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा करने से कुछ होता है? ईवीएम में सब कैद हो गया, सारा CCTV फुटेज है, सारा चीज़ हो गया है और जनता जिसके साथ है तो जीतेगा ही, अब जनता नहीं भी रहेगा तो स्ट्रांग रूम में बाहर रहिए ना रहिए, उसका पहरा दीजिए रात दिन, उससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, जो वोट जनता ने अपना निर्णय दे दिया है वही नजर आएगा 4 तारीख को। एनडीए कितना सीट ला रही है? अब देखिए हम लोग 400 पार का नारा है और 400 के आसपास जरूर रहेंगे हम लोग। एनडीए गठबंधन का दिल्ली में बैठक भी है, अब आप ही सोच लीजिए आज उन लोग क्यों बैठक कर रहे हैं, इसलिए बैठक कर रहे हैं कि हताशा में जब उनको पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं तो उसका क्या हम लोग जवाब देंगे, इसकी तैयारी उन लोग कर रहे हैं। सर आज अंतिम चुनाव है और पाटलिपुत्रा से जहाँ रामकृपाल यादव वहीं उनके अंगेश में मीसा भारती भी है और उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह कांटे की टक्कर है, क्या लगता है सर? देखिए पहले भी चुनाव लड़े हैं और 2-3 वर्ष वहाँ उनको हार का मुंह देखना पड़ा है, तो हम समझते हैं रामकृपाल यादव जी फिर इस बार चुनाव जीतना चाहिए और अच्छे मतों से जीतेंगे और एनडीए जब हम 40 सीट कर रहे हैं तो काराकट भी उसमें आता है और सभी सीट पर हम चुनाव जीतते हैं। सर एग्जिट पोल तो बता रही है कि बिहार में 38 सीट और 2। अभी देखिए एग्जिट पोल आप बहुत पहले की बात कर रहे हैं, चुनाव आचार संहिता लगने के पहले की बात कर रहे हैं, आज शाम में देखिएगा एग्जिट पोल का और 4 तारीख का निर्णय आना है ना, 4 तक इंतजार कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सभी कार्यकर्ता ध्यान दें, कहीं गड़बड़ी ना हो। अब जी राहुल गांधी के बारे में हम क्या करें, लोकतंत्र में और इतना जगह जांच हो चुका है, लोग बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, ये इतनी बड़ी संस्था पर वो उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस संवैधानिक व्यवस्था पर उनको विश्वास नहीं है और वो डर है उनको कि हमारी ज़मीन से सक चुकी है, 40-42 सीट लाए तो उससे भी नीचे जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा करने से कुछ होता है? ईवीएम में सब कैद हो गया, सारा CCTV फुटेज है, सारा चीज़ हो गया है और जनता जिसके साथ है तो जीतेगा ही, अब जनता नहीं भी रहेगा तो स्ट्रांग रूम में बाहर रहिए ना रहिए, उसका पहरा दीजिए रात दिन, उससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, जो वोट जनता ने अपना निर्णय दे दिया है वही नजर आएगा 4 तारीख को। एनडीए कितना सीट ला रही है पूरे? अब देखिए हम लोग 400 पार का नारा है और 400 के आसपास जरूर रहेंगे हम लोग। एनडीए गठबंधन का दिल्ली में बैठक भी है, अब आप ही सोच लीजिए आज उन लोग क्यों बैठक कर रहे हैं, इसलिए बैठक कर रहे हैं कि हताशा में जब उनको पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से, देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।